अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? सब बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खुशबूदार, बहुत मजेदार मटर पुलाव। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक चटनी भी बनानी है। इस चटनी से ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ली थी 15 लाल साबुत मिर्ची, इन्हें धो लिया है। प्लीज आप जितने भी खड़े मसाले यूज करें उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया करें। अभी लिए हैं 3 टमाटर, एक छोटा सा लिया है अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा लिया है हरा धनिया उसकी स्टेम के साथ, 8 ली हैं लहसुन की कलियां, 1 चम्मच खटाई ली है और 1 चम्मच लिया है जीरा। साथ ही में हम ऐड करेंगे सॉल्ट और इसे थोड़े से पानी के साथ बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस और चटनी हमारी बहुत मजेदार सी तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि हम बहुत ही खुशबूदार सा पुलाव बना के तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ का, 1 चम्मच लिया है जीरा, ये शाह जीरा है, 2 ली है ब्लैक कार्डमम, 1 बे लीफ है इसे तोड़ लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा लिया था दालचीनी का इसे भी तोड़ लिया है, 1 लिया था स्टार फूल, 3 से 4 ली है क्लोव्स, 5 ली है हरी इलायची और 10 से 12 मैंने ली है पेपर। तो इनको भी हमने वॉश करके ही यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल, आप कोई और वेसल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऐड कर देंगे खड़े मसाले जो कि हमने धो लिए हैं, इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले खड़े मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हमने ऐड कर दी है 1 प्याज और इसको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं अनियन को पकते हुए। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छे से भूनेंगे। जिंजर गार्लिक को भूनने के बाद हम ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्ची जिन्हें बारीक चॉप किया हुआ है। ऐड कर देंगे 1 टमाटर, साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अब सब चीजों को अच्छे से करेंगे मिक्स और 2 मिनट तक पकाएंगे इसे हम अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हमने ऐड कर दी है मटर, तो ये आधा किलो मटर थी, इसे एक बार अच्छे से करेंगे मिक्स और 10 मिनट तक हम इसको मीडियम गैस पे पकाएंगे मटर के थोड़ा सॉफ्ट होने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, मटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच दही का और इसे अच्छे से चलाते हुए लगातार इसे अच्छे से पका देंगे, सारा पानी इसका खुश्क कर देंगे। दही से क्या होता है कि चावल ना बहुत ही मजेदार खिले खिले बनते हैं और एक अच्छा सा ना टेस्ट आ जाता है, चावल में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे कम से कम 2 मिनट हमने भूनना है। तो देखिए दोस्तों, दही को भी अच्छे से पका दिया है। अब हम ऐड कर रहे हैं चावल। तो मैंने लिए थे बासमती राइस 2 कप जिन्हें 1 घंटे से धोकर भिगोया हुआ था। मटर पुलाव वगैरह बासमती राइस में बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम राइस के साथ साथ ऐड करेंगे सॉल्ट। तो ये 2 कप चावल है तो मैं लूंगी 3 कप पानी, बासमती राइस में 1.5 गुना पानी डलता है। तो देखिए दोस्तों, चावल ऐड कर दिए हैं, पानी भी ऐड कर दिया है, इसे बहुत हल्के हाथ से हिला दिया है। अब हमें ध्यान रखना होगा, हल्के हाथ से हम चलाएंगे नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे। एक हरी मिर्च ली है, उसे इस तरह काट के ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे तेज आंच पे 7 से 8 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें इतना पानी है। अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 चम्मच हमने ऐड करना है देसी घी का, ये होममेड देसी घी है। हल्का सा कर देंगे मिक्स, हल्के हाथ से करेंगे बहुत, और फिर से अब हमने इसको स्टीम पे पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए थे स्टीम पे,
हमारे मटर पुलाव बनके तैयार हैं। बहुत ही उम्दा इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी। तो एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन।